अभी रिसेंटली क्या हुआ दीपक भाई के साथ हुआ एक हॉरर किस्सा एक एकदम कि सबसे पहले तो भाई बताना हूं चाहता हूँ हूं भाई आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना भाई वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेस्ट है और मैं दो तीन पॉडकास्ट में और गया हूँ अब उनको शायद बुरी लगेगी ये बात लेकिन भाई मेरे को कहीं ऐसा और नहीं मिला इतना कंफर्टेबल और इतना पॉजिटिव हो रहा ताकि मैं मतलब खुल के तभी हमारे भाई पॉडकास्ट हम सक्सेस भाई भाई हाँ। और आगे भी बैठेंगे सी तैयारी भी हो चुकी है और आपकी तो बहुत ही आप तो मजा आता है जब भी आपके साथ बैठते है ना भाई, भाई आपसे हमें बहुत एनर्जी मिलती है की अरे देख लेंगे वहां पे बिल्कुल जाके ऐसे बैठ गया तो मेरे को वो और नहीं फील हुआ यहाँ पे आपके हाथ पैर सब खुले हुए

मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार अब क्या है ना वहाँ पे एवरी वीक जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है अब वहाँ पे जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था अब रात के दो या ढाई बज रहे थे हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था चालीस किलोमीटर की रोड है ए, वन साइड तो अस्सी किलोमीटर है राउंड एक और हम एक रात में कम से कम पाँच चक्कर मारते हैं उस रोड के अच्छा हाँ तो अभी वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे और मैंने कहा यार ये क्या है मतलब ये बंदा कौन है कैसा है सिर्फ खड़ा था या चल वली? चल रहा था मतलब हम हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी वो हमारी साइड आ रहा था अच्छा हाँ बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने ब्लैक ब्लैक से और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी इतना इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा अब वो हमारी साइड आ रहा और हमारी साइड आ गए मैं यूँ कर रहा